अब तो मैंने लेना ही लेना जो मर्जी हो जाए यार ले दूंगा पर्दा मैं तो मैं अलमारी में मैंने अलमारी को लगा दूंगा मैं जी शेर खान जी ये हमारा शेर खान है ये देखें जी पांच फीट है यहाँ पर हाँ जी बराबर लिया छत बन रही है आज ये बांस कटाई कर ली है ये देखें जी बाबा पर्दा लगा रहे हैं ये देखें जी माशाल्लाह कलर भी साथ मैच हो गया कूट रही हूँ इधर और आज हमने बनानी है चावल ये है जी पर्दे बेगम साहब लाई थी यहाँ पर हम खड़े हैं हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है पप्पा यहाँ पर खड़े हैं सारी लाइन लगी हुई है इधर भी है मिलके गेट के पास खड़े हैं हम मैं आगे जाकर दिखाता हूँ आपको ये मिल का गेट है यहाँ से आदमी गुजरते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों क्या हाल चाल है ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे जहाँ भी रहें खुश रहें बात रहें फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई जमील वाले पहुँच गए हैं वो शादी पे गए हुए थे आज 6-7 दिन के बाद आए हैं घर तो मैं उनको लेने गया हुआ था अपना जो चौक है हमारा वहाँ पे तो अभी मैं जा रहा हूँ सवारी लेके अभी तो मैं जी इधर डॉक्टर फारूक के पास आया हुआ हूँ मरीज़ लेके सुबह सुबह का टाइम है 7:30 बज चुके हैं अभी मरीज़ लेके इधर पहुँच गया हूँ देखें जी सर्दी भी बहुत है मैं चादर वगैरह लेके बैठा हुआ हूँ ये डॉक्टर साहब का क्लिनिक है हॉस्पिटल है यहाँ पे हॉस्पिटल पे आए हुए हैं ये डॉक्टर का साइन बोर्ड और गेट है इसलिए नाश्ता कर लिया तो मैं भी आ गया हूँ गाड़ी लेके गाड़ी में कपड़ा लगाए अंदर हाँ आपने कर लिया नाश्ता क्यों हम दोनों साथ साथ अच्छा हम दोनों साथ साथ करेंगे कर लिया इसलिए झूठ बोल रही है फिर हैं दो दो पीने चढ़ गई है तो अभी किया नहीं तो बेगम साहब बना रही है जी आज पर्दे हमने ना गाड़ी को लगाने हैं पर्दे आगे ना यहाँ पे दरवाजे एक तो ये सर्दी से बचत हो जाएगी तो दूसरा जब लेडीज़ बैठती है ना तो पर्देदार फैमिली होती है तो फिर उनके लिए ना मसला होता है यहाँ से ना नज़र पड़ती है कोई सामने गाड़ी आ रही है या कोई कहीं पे रुके हुए हैं बाज़ार में ये पर्दे होंगे ना तो फिर वो माशाल्लाह फैमिली सेफ हो जाएगी यहाँ पे लगाने हैं इधर मैंने एक सुराख किया है यहाँ पर बांध लिया धागा और इधर ऊपर बांधा है और ऐसे ही नीचे बांध रहे हैं यहाँ पर तो ये बेहतरीन हो जाएगा काम सर्दी से भी बचत हो जाएगी ये हैं जी पर्दे बेगम साहब लाई थी एक लंडे से लाई थी और अच्छा जी दे दूंगा सुबह 500 रुपए दिया तो आपको मैंने नहीं वो तो 500 रुपए आपने ले लेना तेल डलवाना है ना मैंने इस पर्दे के पैसे मैंने लेने अच्छा जी ले लेना जी आप इसको सिलाई करें बस नहीं वो नहीं लगाना ये देखें जी बाबा पर्दा लगा रहे हैं ये देखें जी माशाल्लाह कलर भी साथ मैच हो गया है नीचे भी इसको डोरी लगेगी ये देखें नीचे भी इसको डोरी लगेगी और ऊपर भी इसको डोरी वगैरह बना के ना बन गया बाबा एक तो ठीक है ये देखें जी बाबा अब ये लगा तो मैंने जी पता किया इसके ना दरवाजों का मैंने पता किया कि दरवाजे कितने के बनते हैं तो दरवाजे जो इसके मैंने 15,000 का मांगा 15,000 तो बाप अपने दरवाजे आपको बना के देंगे इसके 15,000 तो कितना ज्यादा है तो मैंने कहा फिर घर में अपनी सेटिंग कर ले सस्ता हो हां जी पर्दा सस्ता था मम्मा ने अलमारी का लगाया हुआ था ये दिखाती हूं ये देखे इस अलमारी का लगाया हुआ था और बाबा ने मम्मा से छीन लिया पर्दा और बाबा ने अपने अब मम्मा ने मम्मा को कहा मेरे पर मेरे रक्षे पर ये पर्दा लगेगा आपके आपकी अलमारी पर नहीं ये पर्दा लगेगा यहाँ से भी इसको कर दूंगा और फिर बाबा का वो अभी नहीं गई जब धूप आया करेगी तो सब इधर कर दिया करेंगे हम ये तो फिर मजेदार हो गया बाबा आपका जबरदस्त हो गया ये हाँ जी ये देखें जी माशाल्लाह जी दरवाजा दरवाजे का पर्दा बन गया मैं जी शेर खान जी ये हमारा शेर खान है
तो जिसने भाई शेर खान से कोई बातचीत करनी हो तो वो हमें बताएं। पूछ देखें जी, इसकी पूछ के ऊपर ना ये देखें, ये देखें, ये देखें जी, कट बने हुए हैं, ये नाई से कटर क्या लगा हुआ है इसको, निशानी लगी, हाँ जी, ये निशानी लगाई हुई है किसने, ये ना तो माशाल्लाह जी बहुत ही जबरदस्त है जी, हमारा शेर खान के पर देखें, शेर खान और शेर खानी और इसके बाबा इसके दुल्हन बाहर हैं, बाहर हैं जी, चार दुल्हन हैं, हाँ शेर खान आपने जाना है कहीं, चले आज गाड़ी पे सैर सपाटा करने, पहले सैर सपाटा कहीं चला, हाँ अभी तुम ले आ, देखो पर्दा लग गया, ठीक लगा, ठीक लग गया, नहीं ठीक लग गया, मारा तुमने, गंदा मारता है ना ये, तुम भी बहुत गंदी मारते भाई जी, इसलिए इसको पकड़ते नहीं है भाई, ये जी मारता काटी करता है जी, नवाब ज्यादा भाई जी, खाए माशाल्लाह, खाए खाए, आए 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 आए, इसे खा रहा है जी, आए 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 आए, शेर खान खाओ, पेट बड़ा होगा इसका, शेर खान खा रहा है जी, खा रहा है शेर खान, ऐसे 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 ऐसे, शाबाश, शेर खान दाना खा रहा है, मलका किधर है शेर खान, सारे मलकी भाई रे, चार मलकी बाबा, चार बाबा, इसकी चार थूलने हैं, इसकी चार बीवियां हैं जी, हाँ जी, ये हमारे शेर खान की चार बीवियां हैं, और एक भी चली रहे हैं ना, देखना कैसे इस शेर खान, और इसकी दुल्हन सामने, ये देखें जी, छाड़ दे मना ले, ले मेरा हाथ पे, चलो हट जा, देख है जी, ये आ गया शेर खान, वो अभी मौका बल्कि कट्टो बेगम, कट्टो बेगम बाबा छोड़ना नहीं है, ठीक है बाबा, ना छोड़ना बाबा, ये देखें जी पांच प्लेट हैं यहाँ पर, हाँ जी, और आप भर लिया तो सुते ही नहीं, मेरा पर्दा भी जाया कर दिया, इतना ज्यादा नुकसान कर दिया, ये देखें मेरा पर्दा भी जाया कर दिया, नुकसान भी मेरा कर दिया, इतना पर्दा भी, वो जो फार्मूला लगाया था इसलिए कामयाब ही नहीं हुआ इसका, फार्मूला फेल हो गया जी, वो जो हमने फार्मूला लगाया था ना वो फेल हो गया, क्या हुआ, मैंने लगाया था मुझे ना, वो आदमी बाहर बोल रहा ठंडी हवा ना लगे, फिर आपको तो हवा लगेगी, लंबा लगाया दूसरी तरह, ठीक तो है, मैंने ये लगाया था इसलिए था कि मुझे ना हवा लग गई ना, जब ठंडी तो मुझे तकलीफ होती है, जैसे कि आपको पता है दोनों वाला मसला है, तो फिर मुझे बहुत तकलीफ होती है, दर्द होती है मुझे इन जगहों पे ना कमर में, इसलिए मैंने लगाया था ये हवा से बचत देगा, ठंड से बचाएगा मुझे, लेकिन ये मैं इसलिए उतार रहा हूँ कि जब मैं रोड पर चलूँगा ना तो ये शीशे के आगे आ जाएगा, जब बाहर निकलता ना ये शीशे के आगे आ जाता है तो वह पीछे बैक साइड पर कुछ नहीं नज़र आता, क्योंकि जैसे हम किसी सवारी को क्रॉसिंग दे रहे हैं किसी गाड़ी को, हाँ जी, किसी को रास्ता देना है या पीछे देख रहे हैं हमने बाइक करनी है गाड़ी रिवर्स करनी है तो वेट सेफ्टी नज़र नहीं आता, इसका मतलब फिर यहाँ पर दरवाजे लगेंगे, जो दरवाजे लगेंगे जी वही 15,000 रुपया हमें भरना पड़ेगा, अगर आप उससे देगा इंशाल्लाह लगवा देंगे, तो ये जी मैंने सारे निकाल दिए, इसके पर्दे वगैरह उतार दिए मैंने, ऐसे ही इसको गंजी करके खड़ा कर दिया, फिर तो नुकसान भी कर दिया बेगम का, वो पर्दे वगैरह जो उसने लगाए हुए थे अलमारी में वो भी मैंने कटवा के ज़ाया किया, और ये भी काम नहीं हुआ, आज जी मेरे मुझसे हो गया जो बेगम का नुकसान बहुत सारा, तो बेगम ने पर्दे वगैरह लगाए हुए थे जो, तो मैंने वो सारे ज़ाया कर दिए काट के, आज अब बेगम साहब का मूड ख़राब है,
कि मेरा इतना नुकसान कर दिया, मैंने बड़ी मुश्किल से इतना मोटा पर्दा ढूंढ के लाई थी मैं, और मूड बना के बैठी हुई है, तो दिखाते हैं आपको। बेगम साहब आप क्या हुआ? मुझे ऐसा पर्दा ला के दे यार, गाड़ी की कमाई भी तो आपको ला के देता हूँ। ला के देते तो फिर पर्दा जाया कर दिया, नहीं लगने देते फिर क्यों जाया किया? यार मुझे कौन सा पता था ये शीशे के सामने आएगा, मैंने तो अपने बचत की थी, चलो सर्दी से बच जाऊंगा, जो सर्दी वगैरह मुझे लगती है वो तकलीफ होती है मुझे सर्दी से, उससे बच जाऊंगा, ये नहीं पता था कि ये शीशे के सामने आ जाएंगे। तजर्बा किया था, नहीं कामयाब हुआ। इंशाल्लाह जब फुर्सत होगी तो फिर दरवाजे लगवाएंगे इसको। माशाल्लाह जी अहमद भाई के गोपे की छत बन रही है आज, ये बांस वगैरह कटाई कर ली है और इनको कलर करने लगे हैं, मुंशी साहब लगे हुए कलर करने के लिए, रंग बना लिया है। मुंशी साहब क्या कर रहे हैं? रंग कर रहे हैं बांसों को। बांसों को रंग कर रहे हैं, माशाल्लाह। अच्छा ये वाले बोल्ट लगाएंगे। ये कितने बांसों को सुराख किए? चार को छह को? चार को। अच्छा ये देखें जी, माशाल्लाह चूल्हे वगैरह बन चुके हैं, चूल्हे हाँ जी चूल्हे बन गए हैं, इसमें तो आग वगैरह भी जलाई हुई है। ये भट्टी बनाई है, इसमें आग कहाँ से जलेगी कोई पता नहीं है। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है, ऊपर फूल भी रखे हुए हैं, पौधे शौधे लगाए हैं। ये तंदूर है, बहुत ही ज़बरदस्त बन गया जी काम। ये देखें जी यहाँ से कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कच्चे मकान और कच्चे घरों का माशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा है, बहुत ठंडे होते हैं गर्मियों में और सर्दियों में ये गर्म होते हैं। एक ये अलमारी बनाई है, ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है इसकी, और इसकी डिज़ाइनिंग देखें माशाल्लाह। यार मूर सीधा कर ले, क्या हुआ है? आज तुम्हारी मम्मा ना मेरे साथ बहुत लड़ाई कर रही है। एक तो मेरा पर्दा खराब कर दिया, तो ये वो मूर के तुम्हारा आपके काम आ जाता तो मैं कहती चलो काम आ गया, मुझे खुशी होती। मुझे अब पर्दा ला के दे, ये पर्दा पहले मैंने नहीं लेना था, अब तो मैंने लेना ही लेना, जो मुझकी मर्जी हो जाए। यार ले दूंगा पर्दा, मैं अलमारी में, मैंने अलमारी को लगा दूंगा, अलमारी को पहले मैंने खुद ही लेके आना था और लगा लेना था। अब आप ही लाग देना, अभी लाग दे और मैं लगाऊंगी। अभी लाग दे? हाँ जी अभी नहीं लाग देना, मेरी चप्पल लेके आए, चले चप्पल लेके आओ। मैं नहीं लेके देना यार, ले दूंगा फिर लाग के देना। बाबा 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 जब मम्मा का पर्दा, जब मम्मा का पर्दा ला के दोगे ना, ले दूंगा जब मम्मा का पर्दा ला के देंगे ना, फिर चलो ठीक है, चलो ठीक है, लो चले जी, ठीक है जी, ठीक है। जब बेटिया भी ने कह दिया बना ले भी, जब मामा को पर्दा ला के देंगे तो फिर चले के उठा लेता हूं, आपने भी पर्दा दे दिया। चलो ठीक है, फिर आपने भी पूछे कुछ नहीं कहना। पहले तो मैंने ना पर्दा लेके देना, पहले मैंने लेके देना पर्दा, आपने भी लेके देना। चले अब इससे गाना यही ला के दे, ठीक है? फिर आप मुझसे भी तो वक्त ना करना कि चलो ठीक है। हाँ जी ना दे, चलो ठीक है। खाना भी मुझे बनाना आता है, चाय भी बनानी आती है। खाने वगैरह की बात नहीं हुई, सिर्फ अब गाड़ी के काम की चीज़ ऐसी नहीं देनी जो अब ख़राब करे।
नहीं, सुबह इतनी मेहनत से साफ की, इतनी हेयर साफ की, सब कुछ इसका साफ किया, एक सारा उसमें मट्टी मट्टी कर दी, पर्दा भी खराब कर दिया, वो भी नहीं ला कर दे रहे। अल्लाह की शान है जी, गरीब बंदा भी ना हो। वो दरवाजा खुल, भाई आ गया, उड़ चल, खोलो दरवाजा। तस्वीरें टूटी हुई थी आज, बेगम ने तस्वीरें वगैरह बनाई हैं। बेगम तो सब कुछ करती है। हाँ जी, एक मिनट तो मुझे पार करें, चल। अभी खाया नहीं? जो तो मैं छील के खाया है मैंने। बस खाया, काट के दे दें एक, हम आ दें। देख ले यार, तुम्हारी मम्मा ने आज कैसे बुलाई। सब के दो दो है, सब के दो दो है ना। तुम्हारे बाबा ने पर्दा खराब किया मेरा। अच्छा, कोई बात ना। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी, बेगम ने किन्नू काट दिया मुझे। मनाहल देख ले, तुम्हारी मम्मा ने किन्नू काट के दे दिया। पीछे हट जाए, अब आपने नहीं खाना। व्यूअर्स, मगरब होने वाली है, मैं जा रहा हूँ सवारी लेके। आज मेरी वीडियो भी नहीं बनी क्योंकि पहले भी सवारी ले गया हुआ था मरीज़ में, तो उस मरीज़ की डेथ हो गई। अब उनके रिश्तेदारों को मैंने लेके जाना है, फिर मेहमान आ गए थे, अभी मेहमानों से फारग हुआ हूँ तो गाड़ी लेके जा रहा हूँ। फिर मैंने सवारियाँ इधर उतार दी हैं, फरोजे से आगे है, कुछ 10-15 किलोमीटर आगे है ये सफ़र। कुछ देहात है, गाँव, इसका नाम तो मुझे नहीं आता। तो अभी मगरब की अजानें हो चुकी हैं, मैं वापस जा रहा हूँ। चारों तरफ फसलें ही फसलें। माशाल्लाह जी, मेरे आगे आगे गाड़ी जा रही है, मैं घर आ रहा हूँ वापस। ये देखें जी, शाम का टाइम है और मैं लहसुन कूट रही हूँ इधर, और आज हमने बनानी है चावल, और सब मम्मा की मदद करा रहे हैं। मम्मा कहते हैं जिन जिन ने चावल खाने हैं वो मदद कराए हैं, तो मैं मदद करा रही हूँ। मैंने तो चावल खाने हैं। आपने खाने हैं? भाई टमाटर काटू, मम्मा आती है, फिर मम्मा आपको बताती है। बच्चों ने आज मुझे किया तंग, इनके बाबा घर नहीं है, वो सवारी लेके गए होंगे, तो नहीं नीचे पड़ी हो, तो मनाहल और रेहान और हमाद कह रहे हैं हमें चावल बना दो, हमने चावल ही खाने हैं। तो मैंने कहा जिस तरह खाने हैं ना वो अपने आप बना ले सामान, चावल मैं अपना बना दूंगी। तो हाँ जी, तो मैंने आप साहब को रोटी पका के दे दी है, तो जब आप कोई टमाटर देखे, कोई टमाटर काट रहा है, कोई लहसुन कूट रहा है, कोई हमारे रेहान प्याज आलू छिल के रख रही है सिंक में धो के, और प्याज भी छिल रही है, घी का रखा है कप कढ़ाई, और मैं अभी आ गया गाड़ी लेके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमारे चावल पक के तैयार हो गए हैं। आज हमारा आटा भी नहीं था क्योंकि सुबह मैंने साहब की वो पड्डे वगैरह सी रही थी, तो मैंने दाने नहीं, गंदम नहीं साफ की, तो कभी खाना बना के हटी हूँ तो मेहमान आ गए। इसके साहब की पप्पो की बेटी बहावलपुर से आई थी, उसके ससुराल वाले इधर रहते हैं फरोजे में हमारे करीब, तो वो आ गए साथ में, चार पाँच भी आ गया, पाँच छः थे, तो फिर मैंने इसलिए फिर मेहमानों में लग गई, उनको चाय बना दी, खाना बना के दिया, फिर इसलिए गंदम साफ की, आटा भी नहीं था हमारा, फिर हमने चावल बना लिए, चावल लेके आए थे हम फिल्टर स्टोर से, तो चावल बनाए, इनके बना के देखे कैसे बनती है, तो हमने बना लिए, साफ भी आ गए सवारी छोड़ के। पापा जी गाड़ी लेके गए हुए थे, हम गाड़ी लेकर आए हैं, तो हमारे लिए मूंगफली लेके आए हैं, ये मम्मा और पापा की है। मेरा राधा साहब, मैं बच्चों के लिए मूंगफली को चीज लेके जाऊं, और पापा ने मैं ड्रा भी दिया, अभी आया हूं गाड़ी लेके, बताऊं कैसे, क्योंकि है ना बाबा ने कहा सब बुलाओ है, मुझे लगा क्या हो गया है, क्या नुकसान हो चुका है, तो मैंने डर में पड़ गए, इसलिए फिर मैंने आके देखा सारे 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 डरने पड़ गए। बाबा कहते उस रुमाल को मेरे उतारो है, उठाया
तो फिर मैंने क्या क्या हो गया, मैंने कहा वीडियो भी नहीं बनाई बच्चों ने आज, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर साहब कह रहे सब इधर आप ही पाए, मैंने कहा आपकी तबीयत खराब है वो नहीं आएगी, कहते उसको लेके आए, डांट के वैसे गुस्से से बोले उसको लेके आए। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, जब साहब थोड़े से मुस्कुराए ना फिर मुझे पता चल गया कोई ऐसी बात नहीं है। खादा दाने तीन खा ले, मैं अपनी अखा देखा, अरे ये ध्यान की मैं खा लिया।